हेलो एवरीवन, हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, सो इन लास्ट वीडियो वी हैव टू कवर द टॉपिक विद द ग्रेट क्रैशर, ऑल्सो वी सकल अवर यंग वन. ओके, सो द यंग वंस एनिमल्स लाइक काउ, डॉग, गोट एंड रैट ग्रोन अप ऑन देयर मदर मिल्क. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन last video. Okay, so now in today's class we are going to learn the we fly. हम उड़ते भी हैं. We fly means हम उड़ते भी हैं. So ऐसे कौन से animals हैं? So today we are going to learn the we fly. Also we live in water means ऐसे कौन से animal हैं जो fly करते हैं और ऐसे कौन से animals हैं जो water में रहते हैं. Okay, so let's start. So this is the picture of birds. Okay, you know very well birds. So birds have only two legs. So birds को कितने legs होते हैं? Birds have only two legs. Birds को two legs होते हैं. Okay, they have two wings to fly with. उन्हें कितने पंख होते हैं? Wings means what is the meaning of wing? Wing means पंख. क्या होता है? Wings means क्या होता है? पंख. Okay, so they have two wings to fly with. सो जो बर्ड्स होते हैं, यू नो वेरी वेल बर्ड्स, सो बर्ड्स को कितने विंग्स होते हैं? दे हैव टू विंग्स होते हैं एंड दे हैव ओनली टू लेग्स. उनको दो लेग्स होते हैं, टू लेग्स. दे हैव ओनली टू लेग्स एंड दे हैव ओनली टू विंग्स टू फ्लाई विथ. उन्हें फ्लाई करने के लिए कितने विंग्स होते हैं? टू विंग्स होते हैं. ऑल्सो दे हैव ओनली टू लेग्स. ओके, their body is covered with feather. So जो you know very well birds, so bird की जो body होती है वो पूरे feathers के साथ cover होती है. Means उनके body के ऊपर क्या होता है? Feathers होते हैं. Feathers means भी पंख. So what is the meaning of feathers? Feather means पंख. So their body is covered with feathers. So birds की जो body होती है वो feathers के साथ कवर होती है. ओके, देयर आर डिफरेंसेस इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड. सो जो जो बर्ड्स होते हैं, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स यू सीन यूअर सराउंडिंग. ओके, सो देयर आर डिफरेंसेस इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड. सो जो सभी बर्ड्स है, सो सभी बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं. ओके, दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ बर्ड, बट देर आर डिफरेंसेज इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड. सो जो अलग अलग प्रकार के बर्ड्स होते हैं उनकी जो फ्लाइंग की एबिलिटी, उड़ने की जो कोशिश होती है वो कैसे होती है? अलग अलग होती है. मीन्स अलग अलग प्रकार से वो क्या करते हैं? उड़ते हैं. सभी बर्ड्स सेम एक ही जैसे उड़ते हैं क्या? एक ही जैसे फ्लाई करते हैं क्या? नहीं, सभी की एबिलिटी उड़ने की, फ्लाई करने की अलग अलग होती है अलग अलग बर्ड्स की. सो द ईगल कैन सोर हाई इन टू द स्काई एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ईगल. सो यू नो वेरी वेल ईगल. सो ईगल क्या करता है? ईगल कैन सोर हाई इन टू द स्काई एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो जो ईगल है, ईगल इज द नेम ऑफ बर्ड. ओके, सो ईगल क्या करता है? स्काई में ऊंचे ऊंचे तक फ्लाई करता है, उड़ता है, और वो बहुत देर तक एयर में रह भी सकता है. बहुत टाइम तक वो रहता है. दे स्टे इन द एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम. ओके, सो दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ ईगल. बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई एंड कम्स डाउन सून टू. सो यू नो वेरी वेल, दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉक. सो कॉक आपको पता है, कॉक मीन्स मुर्गा. ओके, सो बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई एंड कम्स डाउन सून. सो जो कॉक है वो ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाता है, ज़्यादा दूर तक फ्लाई नहीं करता है वो. एंड द कॉक कम्स डाउन सून, अगर वो उसने फ्लाई भी किया, अगर कॉक ने फ्लाई भी किया सो वो जल्दी से नीचे आ जाता है. सो द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई एंड कम्स डाउन सून. सो दिस इज द देर आर डिफरेंसेस इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, ईगल फ्लाई हाई इन द स्काई, बट वेयर एज कॉक डज नॉट फ्लाई हाई. ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. ओके, सो
नेक्स्ट इज वे लाइव इन वाटर. सो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, हम ऐसे भी हैं जो पानी में रहते हैं, मीन्स वाटर में रहते हैं. वे लाइव इन वाटर. ओके, देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, दे लाइव इन वाटर. सो ऐसे अलग अलग प्रकार की फिश होती है जो दे लाइव इन वाटर, जो वाटर में रहती है. सो देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, दे लाइव इन वाटर. सो फिश अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत सारे प्रकार की फिश होती है जो वाटर में रहती है. सो फिश हैव, सो फिश, दिस इज द पिक्चर ऑफ वेल फिश. ओके, द नेम वेल इज़ द नेम ऑफ फिश. ओके, सो वेल इज़ द बिगेस्ट फिश इन द वर्ल्ड. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वेल फिश. ओके, सो वेल फिश सबसे बड़ी फिश है पूरे वर्ल्ड में. ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फिश. ओके, सो देर आर वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ फिश. ओके, सो दिस पार्ट इज़ नोन एज fins. This part is known as fin. Okay, means this part is known as fins. Okay, this part is known as fins. Okay, so ye wala jo part hai ise hum kya kahenge, fins. Okay, this is the eye. Ye kya hai, fish ka eye hai. Okay, this part, ye jo aapko dikh raha hai, so this part, ye part ko hum kya kahenge, gills. Okay, is the gill, and this part is known as scales. Okay, so ये जो मैंने draw किया है, so this part is known as scales. What is this? This is the scales. Okay, one more time I am draw. Okay, so this part is known as scales. Okay, so ये क्या है, scales. पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं. सो विच आर द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द फिश. ओके, सो दिस इज द फिन्स, देन आई, स्केल्स एंड गिल्स. दिस ऑल आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ फिश. ओके, ये सभी क्या है, फिन हो गया, देन स्केल्स, आई, गिल्स, ये सभी क्या है, फिश के बॉडी पार्ट्स है. ओके, सो डू यू नो, क्या आपको पता है, ए फिश हैज गिल्स बिहाइंड इट्स आईज. ओके, फिश यूज़ देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर. सो जो ये जो पार्ट है, ओके, सो ये जो पार्ट है फिश का, ओके, सो दिस इज़ द गिल्स. सो जो फिश है वो, जैसे हम ह्यूमन बींग, सो इन डे टू डे लाइफ ह्यूमन बींग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ नोज, है कि नहीं, हम लोग हमारी नोज के हेल्प से सांस लेते हैं. लाइकवाइज इन सेम मैनर फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर. सो जो फिश है उसको नोज होती है क्या? नो, देयर इज अ एब्सेंस ऑफ नोज इन द फिश. ओके, फिश में, फिश को नोज होता है क्या? नहीं. सो फिश का जो गिल्स, ये बॉडी पार्ट है, सो गिल्स के हेल्प से फिश सांस लेती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वी लाइव इन वाटर. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू.